नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता हूँ। वो प्रश्न जो कि ज्योतिष से संबंधित हैं, पूजा पाठ से संबंधित हैं, ज्योतिषी उपाय से संबंधित हैं, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित हैं, या आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित जो भी प्रश्न, पूजा पाठ से संबंधित, किसी तरह के उपाय से संबंधित, किसी तरह के स्तोत्र, या कुछ भी हमारी आध्यात्म की फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में है, उन प्रश्नों को आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जो भी प्रश्न आपके मन में है उस प्रश्न को दे दीजिए, और जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है उन सभी प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आप सभी के समक्ष इस वीडियो के इस कार्यक्रम के नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो आज हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और उसके पहले भी अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और इस कार्यक्रम से आपको कुछ लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये गौरंग शर्मा जी ने कहा किया है कि गुरु जी, पेट जन्य रोग किस कारण होते हैं, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट जन्य रोगों का कारक गुरु को कहा गया है, और गुरु ही ग्रह जो हैं जो कि पेट जन्य रोग के कारक होते हैं। देखने में आता है कि केतु की भी बुरी स्थिति अगर हो जन्म कुंडली में, स्पेशली षष्ठ या अष्टम भाव में, तो भी पेट से संबंधित परेशानियां जातक को हो जाती हैं। और लग्न में अगर शनि जाकर के बैठ जाए या जन्म कुंडली का पंचम भाव पीड़ित हो जाए, लग्न में शनि हो तो भी व्यक्ति को पेट का रोगी बना देते हैं, और जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर पीड़ित हो जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं, और जन्म कुंडली में अगर सिंह राशि पीड़ित हो जाए तो भी व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी आ जाती है। कई बार सूर्य के अत्यधिक कमजोर होने के चलते, क्योंकि सूर्य अग्नि है और पेट में भी अग्नि है, सूर्य के अत्यधिक कमजोर होने के चलते भी जातक को पेट से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। आगे इन्होंने लिखा है, क्या बुध वृश्चिक लग्न में अष्टमेश होकर के 12वें में हो तो पेट जन्य रोग होते हैं? देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में बुध अगर अष्टम पति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो ये तुला राशि में बैठे हैं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और आपका लग्नेश बली है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और आपका लग्नेश बली है, तब तो ये विपरीत राजयोग हो जाएगा और उसमें फिर आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपका लग्नेश कमजोर है और शुक्र की स्थिति भी ठीक नहीं है तो अष्टमपति होकर के ये बुध 12वें बैठे हैं, लेकिन ये पेट से संबंधित परेशानी तो मुझे नहीं लगता कि देंगे। हो सकता है पंचम भाव या सूर्य की स्थिति कमजोर है, आपके लग्न में शनि हो, जो मैंने सूत्र बताया उनसे संबंधित कोई एक सूत्र हो सकता है। और इन्होंने लिखा है कि जब भी बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है तब मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ। जी, वो तो होगा ही। अब देखिए, अष्टम पति होके 12वें में बैठे हैं तो विपरीत योग यहाँ नहीं बन रहा होगा, तभी आप बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप बीमार हो तो समझ में आता है, लेकिन विपरीत योग में बहुत ज्यादा बीमार होना नहीं समझ में आता। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो मार्केश के रूप में जानी जाएगी, तो मारक समय होगा, तो मारक दशा होने के चलते परेशानी तो रहेगी। और डर है जब महादशा आएगी तब क्या होगा? अब देखिए, ये तो जन्म कुंडली का अध्ययन करके पता चलेगा, हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है। जब महादशा आएगी तो देखेंगे, महादशा के लिए कुछ उपाय करेंगे। हो सकता है अभी आपको शनि की महादशा चल रही हो तभी आप बुध की महादशा के विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब दशा आएगी तब देखी जाएगी, क्योंकि जन्म कुंडली को देखना होगा कि बुध की दशा कैसी, बुध की स्थिति कैसी है। फिर भी अष्टम पति होकर के 12वें बैठे हैं, अगर लग्नेश बली है तो बुध की दशा से मुझे नहीं लगता कि आपको घबराने की आवश्यकता होनी चाहिए। हाँ, अब अगर बुध की दशा जब भी आ रही है और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आप बहुत बीमार हो जा रहे हैं, तो जब भी बुध की दशा आए तो माह में एक बार आप छायादान कर दिया करिए, साथ ही साथ आप गणेश जी की अत्यधिक आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से बुध से संबंधित जो बुरे प्रभाव होते हैं उनमें काफी हद तक कमी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कृष्ण लोध जी ने किया है कि सर, कई बार एस्ट्रोलॉजर 3 और 4 जेमस्टोन पहनने की सलाह देते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जेमस्टोन पहनने से ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा जेमस्टोन पहनते हर ग्रह अलग अलग प्रभाव डालेगा, सही हो क्या होगा? नहीं, 3-4 जेमस्टोन पहनने तो बिल्कुल भी सही नहीं। आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 रत्न, 2 रत्न से ज्यादा आपको पहनने की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह कारक होता है उसी का रत्न पहना जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न की कुंडली में मंगल भी कारक है, सूर्य भी कारक है, गुरु भी कारक है, तीनों ही ग्रह कारक है। अब यहां पर यह देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा कोई एक ग्रह है जो जन्मांक, नवमांश, अंश बल, षट बल इत्यादि में सबसे अधिक बली है, तो वो आपका मेन प्लैनेट बनेगा और हम उसका जेमस्टोन बनेंगे। कई बार क्या होता है कि दोनों प्लैनेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य और गुरु, ये दोनों ही ग्रह मेष लग्न की कुंडली में अच्छे दिखाई पड़ जाते हैं, तो हम इन दोनों के रत्नों को पहन सकते हैं, लेकिन 3, 4, 5 जेमस्टोन पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रह तत्व को प्रदर्शित करते हैं।
और कोई एक प्लैनेट भी अगर आपकी कुंडली में बली हो और उस तत्व को आपके शरीर में अगर हम जागृत कराएं तो उसी एक ग्रह से सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। तो तीन चार पांच जेमस्टोन्स अगर आप पहनेंगे, तीन चार पांच अलग अलग ग्रहों के तत्वों को आप अपने शरीर में बढ़ाएंगे तो अति सर्वत्र वर्जयेत, हर किसी भी चीज की अति होगी तो वो हमेशा वर्जित है। अति सर्वदा क्षति कहा जाता है ना कि अति करेंगे तो क्षति हो जाएगी कुल मिलाकर के। तो जब चार पांच चीजें आप शरीर में डालेंगे तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। अब जब दिमाग में ही कंफ्यूजन आ जाएगा तो आप सोचिए आपके निर्णय कैसे होंगे। हर चीज में जब आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपके जो निर्णय हैं, जो आपके डिसीजन हैं, वो भी खराब होंगे। और जब आपके डिसीजन गलत होंगे तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं खराब तो हो ही जाएगी। तो तीन चार जेमस्टोन्स पहनने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, एक या मैक्सिमम दो। और कभी कभार दशा इत्यादि को देखते हुए कोई एक, जैसे राहु की दशा में अक्सर लाजवर्त पहनाया जाता है, शनि की 7.5 इत्यादि होती है तो लोहे का छल्ला पहनाया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। हालांकि अगर मेन जेमस्टोन की बात करें तो वो एक या मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा जेमस्टोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यापार करना है तो 10 पहना दिया जाए तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, परंतु अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो एक मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा जेमस्टोन की जरूरत नहीं पड़ती। कारण क्या है वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अरजीत तिवारी जी का है। इन्होंने पूछा, हेलो सर, सर क्या 6-8-12 भाव में बैठा नीच का ग्रह उच्च का फल देता है, काइंड ऑफ नीच भंग हो जाता है क्या? नहीं, 6-8-12 ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव में, त्रिक भाव बुरे भाव होते हैं और नीच का ग्रह भी बुरा फल देने वाला कहा गया है। तो बुराई से बुराई का काट की यहाँ पे बात की गई है। तो 6-8-12 भाव में जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होकर के बैठता है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। नीचत्व भंग होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि वह ग्रह उच्च के समान फल देगा। उच्च के समान फल देना नीच के ग्रह में दो ही केसेस में देखने में आया है, जब वो नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह वक्री हो तब कुछ ऋषियों के मत में वो ग्रह उच्च का फल देता है, और कोई नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए तब वो उच्च के समान फल देता है। परंतु नीच भंग होने के चलते कोई भी ग्रह त्रिक भाव में बैठ करके नीच राशि में हुआ है तो उसका नीच भंग होगा, तो जो उसके नीच प्रभावों में 100% परेशानी आ सकती थी वो परेशानी 30-40% ही रह जाएगी बस। तो नीचत्व में कमी आती है, नीच भंग होने का अर्थ है कि उसके नीच प्रभावों में कमी आती है। नीच भंग होने का ये मतलब कदापि नहीं है कि वो उच्च के समान फल देता है। नीच भंग होने का मतलब है कि उसके बुरे प्रभावों में काफी हद तक कमी हमको देखने में मिल जाती है। तो ये ठीक उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि बारिश में आपको छाता दे दिया जाए कि बारिश तो नहीं रुकेगी परंतु आप बहुत हद तक सेव हो जाएंगे। तो नीच भंग भी लगभग उसी तरह से है कि बारिश में छाते का काम ये करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उदय जी का है। इन्होंने पूछा है, सर क्या रोज आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि आदित्य हृदय स्तोत्र केवल युद्ध काल में पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है, मैं भी रोज पढ़ता था, उन्होंने मना कर दिया, प्लीज बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, केवल युद्ध काल में पढ़ा जाता है ये बात गलत है, युद्ध काल में भी पढ़ा जाता है। युद्ध काल के लिए पढ़ा गया था भगवान श्री राम के द्वारा सूर्य भगवान की उपासना, जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, ततो युद्ध परिश्रांतम, जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की थी। आप बिल्कुल रोज पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते रोज? क्या लाइन आती है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। ये सर्व मंगल प्रदान करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला स्तोत्र है, तो आप क्यों रोज नहीं पढ़ सकते? और आपने क्या लिखा हुआ है कि पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है, मैं भी रोज पढ़ता था, उन्होंने मना कर दिया, क्यों रोज नहीं पढ़ सकते आप? सभी पापों को दूर करने वाला है, शोक को मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, तो आप अपने जीवन से चाहते क्या है? इसके आगे की भी लाइन जो होती है, सर्व देवतात्मो को हुएश तेजस्वी रश्मि भावना, तो सभी देवताओं के ये रूप है, तो आप बिल्कुल आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सभी देवताओं के रूप में सूर्य भगवान को ही लिया गया है, और सूर्य भगवान अगर ना हो, अगर सूर्य ना हो, सूर्य ऊर्जा प्राण के कारक है, सूर्य ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य भगवान की स्तुति है, तो क्यों युद्ध काल में? जब मैंने आपको बताया कि जितनी चीजें से प्रदान होती तो आप उसको नित्य करें, इससे आपकी जन्म कुंडली के सूर्य बलि होंगे, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य बलि होंगे तो सब कुछ बलि हो जाएगा, तो नित्य पढ़ा जा सकता है। ये गलत है कि केवल युद्ध काल में, युद्ध काल में पढ़ा गया था, परंतु आप रोज भी पढ़ सकते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ेंगे तब ये गलत है, लेकिन अगर आप सूर्य भगवान की स्तुति के रूप में पढ़ रहे हैं अगर आप इसको, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, आप रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न VK1817 ID से यश जी का है कि गुरु केंद्र में शुभ फल देते हैं
तो वो वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में वक्री होने पर क्या फल देंगे? जबकि कहा जाता है कि वक्री होने पर ग्रह और बलि होकर अच्छा फल देता है। वक्री होने पर ग्रह बलि हो जाता है, परंतु अच्छा या बुरा फल निर्भर करता है कि वो आपकी जन्म कुंडली में कारक है अथवा अकारक। गुरु शुभ ग्रह हैं और वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टम पति होकर के चतुर्भाव है। हालांकि वो लाभपति होकर के भी चतुर्थ में बैठे हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अष्टम पति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी देंगे। चतुर्थ भाव हृदय का है तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगी, आपके मन ही मन में बेचैनी को क्रिएट करने का कारण बनेंगे। अब वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु का वक्री होना कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाएगा। वो बलि भी है तो भी कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाएगा। लाभपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बलि है तो भूमि भवन वाहन का सुख दे देंगे, परंतु सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। ज्योतिष आध्यात्म है और ये धन सुख इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये आपकी संतुष्टि पर, आपके संतोष पर ध्यान देता है, आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन, आपके इंटरनल हैप्पीनेस पर ध्यान देता है। अगर आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं, अगर आप इंटरनली हैप्पी हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है। और वक्री गुरु का चतुर्थ भाव में होना ये आपके चित्त को अशांत कर देगा। वृषभ लग्न की कुंडली में जहाँ ये वक्री हुए हैं, कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण बनेगा ही। और फायदा क्या है, आपने लिखा है ना कि अच्छे फल देता है, और बृहस्पति तो सबसे शुभ ग्रह है। सकारात्मक फल क्या है और नकारात्मक फल क्या है, दोनों ही मैंने बता दिया आपको कि सकारात्मक फल जो है वो सुख सुविधाओं की प्राप्ति, और नकारात्मक फल यही है जो मैंने आपको बताया। माता के स्वास्थ्य में परेशानी इत्यादि भी देखने में आती, पेट जन्य रोग भी कहीं ना कहीं देखने में आपको पेट जन्य रोग देने का कारण भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित परेशानियां भी, क्योंकि अष्टम पति होकर के चतुर्थ में बैठे हुए हैं और लाभपति है जो कि छठे से छठा है, तो परेशानी का कारण तो ये गुरु यहाँ पर बैठ करके बनेंगे क्योंकि ये वक्री है। हाँ, अब कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ भाव में गुरु की राशि आती है, तो इसका प्रभाव कुछ हद तक सकारात्मक है। आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप भक्ति साधना इत्यादि की बात करते हैं, मंत्र जाप किसी सिद्धि की, किसी आराधना की, किसी देवता की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए ये ठीक है। परंतु फिर भी ये आपके मन को या आपको ये मानसिक अशांति देने वाला और आपके चित्त को अशांत करके रखने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी ने दिए एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 11th में दिए थे, जिसको लेकर के मैं एपिसोड नंबर 12 में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ जिन भी लोगों के मैंने जवाब दिए वो सभी इन सवालों के जवाब से संतुष्ट होंगे। अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसी तरह के प्रश्न, तो आप उनको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है, उन सवालों के जवाब को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कार्यक्रम इस चैनल पर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।